अभी देखो आवाज आ रही है आप सभी को एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखो क्या अब आवाज आ रही है आप सभी को एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आपको अभी आवाज आ रही है बच्चे देख रहे हैं बोलो एक बारी आवाज है है अब ना शायद अब आ रही होगी आवाज ठीक है साउंड अब आ रही होगी एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखो अच्छा जी आ रही है ठीक है चलिए आपको आवाज आ रही है वो मैंने ना प्लग ऑन नहीं कर रखा था जिससे साउंड आती है ठीक है तो वो अब मैंने ऑन कर दिया माइक्रोफोन आपका ऑन है अब ठीक है अब आपको आवाज आ रही होगी तो मैं ये कह रहा था कि आपका मैं आपको हर एक जगह क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं हर एक जगह इसी क्वेश्चन बैंक को टारगेट करा रहा हूं इस क्लास में भी क्वेश्चन बैंक को ही टारगेट कर रहे हैं जिससे 10 से 20 दिन के बीच में आपका पूरा जो है टारगेट पूरा हो जाएगा रेलवे एसएससी के लिए ठीक है आप मेरी मैराथन में जुड़ सकते हैं मेरी फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हैं क्यों तक जो मैं आपको क्लास के टाइम पे कराता हूं वो भी क्वेश्चन बैंक का हिस्सा होता है ठीक है वो भी क्वेश्चन बैंक का हिस्सा होता है जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिएगा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा ठीक है गलीलो लो फॉलिंग बॉडी का दूसरा नाम क्या है ठीक है गलीलो आप सभी जानते हैं साइंटिस्ट का नाम ठीक है तो इनका जो लो था फॉलिंग बॉडीज का उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है आंसर क्या बच्चे लो ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है ठीक है लो ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है 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 मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सस्ता सस्ता सवाल है, सस्ता सवाल क्यों अगर मैं बहुत बड़ा पहाड़ भी ठीक है रेस्ट पे रख दू कि भैया पहाड़ हिल नहीं रहा तो उसका मोमेंटम क्या होगा ठीक है मोमेंटम क्या होगा ऑब्वियसली जीरो होगा क्या होगा ऑब्वियसली जीरो का कारण क्या होगा? कि भैया मोमेंटम के लिए मास चाहे कितना भी हो उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए अब वेलोसिटी जीरो होगी रेस्ट पे होने की वजह से जब ये जीरो है तो मोमेंटम की वैल्यू तो जीरो ही आएगी ठीक है मोमेंटम की वैल्यू तो जीरो ही आएगी चाहे कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो क्वेश्चन सारे क्वालिटी है सारे क्वालिटी क्वेश्चन है शेयर करिएगा सेशन को हर एक जगह पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सारे के साथ देखिए क्वेश्चन देखो कौन सा साउंड वेव का कैरेक्टर है जो कि टेम्परेचर में चेंज लाने से बदलता नहीं है मान लीजिए अगर मैंने टेम्परेचर कहीं पे बदल के बढ़ा दिया तो इसमें से कौन सी इसमें से कैरेक्टर है जो चेंज नहीं होगी ठीक है दिमाग को रखिएगा अच्छा कौन सा इसमें जिसमें चेंज नहीं होगा ठीक है जल्दी से बताएगा अच्छा इसमें चेंज कहा पूछा गया चेंज कौन सा होगा तो फ्रीक्वेंसी हाँ जी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी एक और देखिएगा ठीक है अचरस सपोता जो है किसका साइंटिफिक नेम है कमेंट करिएगा ठीक है अचरस सपोता जो है किसका साइंटिफिक नेम है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बड़ा ही सरल सवाल है ठीक अच्छा है अचरस चीकू का साइंटिफिक नेम है बताइए आसान क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन इजी है देखो यार मैं मानता हूं क्वेश्चन ये इजी है लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप इजी डिफिकल्ट पे मत जाइए अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए क्वेश्चन रिवाइज करो क्वेश्चन बैंक का यही मतलब होता है हमें पूरी रिवीजन चाहिए ठीक है इस क्वेश्चन बैंक में कहता कौन सा हेलोजन है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है सभी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कौन सा हेलोजन है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जल्दी से बताइए मैं आपको अभी स्पीड में नहीं करा रहा उसका कारण यह है कि मैं आपको हर जगह एक ही तरीके का क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं आप बस तसल्ली से देखते जाइए आपको चीजें दिमाग में रहेंगी आंसर है ब्रोमीन इसका आंसर है बहुत ही सरल सवाल है ठीक है महत्वपूर्ण सवालों में से एक है एक और क्वेश्चन देखिएगा सेशन को शेयर करिएगा फॉलोइंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ यूरिक एसिड बताइए यूरिक एसिड का जो मेन एक्सक्रीटरी है किससे होता है आंसर क्या बच्चे स्पैरो ठीक है दिमाग रखिएगा दिमाग रखिएगा स्पैरो का मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है यूरिक एसिड है ठीक है दिमाग रखिएगा अगर आपसे बोला जाए ना बर्ड्स का क्या होता है सिंपल सी बात है ये सभी का है जो भी बर्ड है ठीक है जो भी बर्ड कैटेगरी में आएगा उसमें एसिड एज एक्सक्रेटरी वेस्ट होगा ठीक है जैसे हमारे में यूरिया होता है जैसे हमारे में यूरिया होता है एंटोमोलॉजी जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या कमेंट करिएगा सेशन को सभी के सभी शेयर करेगा ए टू जेड बच्चा सेशन को शेयर करेगा ठीक है आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का इंसेक्ट ठीक है आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का इंसेक्ट है इंसेक्ट की स्टडी को हम कहते हैं ठीक है दिमाग रहे एंटोमोलॉजी ठीक है दिमाग में ऐसे मैंने बर्ड का भी बता रखा है फोसिल का भी बता रखा फंजाई का भी बता रखा है सभी का मैं एक एक करके क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक का टारगेट क्या है ठीक है मैं आपको साढ़े दस बजे क्वेश्चन बैंक कराता हूं इस क्लास में जो क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं ग्यारह बजे मैराथन कर रहा हूं उसका टारगेट क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो हंड्रेड परसेंट आते हैं मान लो स्टडी के क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आते हैं तो सारी स्टडी पढ़ लेंगे एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन डाल के विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी आसान है

ठीक है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश सभी में पढ़ा रहा है कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं ठीक है बोन मैरो में होता है ठीक है अब कोई बोले कि सर ये कैसे हमें याद रहेगा ठीक है थेके? आपको अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा ना तो रिलेट होते कभी भी देखना साइंस का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता जो रिलेट नहीं होता साइंस में ठीक है आप वर्ड से वर्ड आंसर लगाने की कोशिश कर सकते हो ठीक है हीमोग्लोबिन टाइप वर्ड आ रहा है ठीक है यहां पे बोन मैरो आ रहा है जो ब्लड से संबंधित है रेड ब्लड से संबंधित है तो आप यही पे क्वेश्चन जोड़ सकते हो जब आपने वर्ड से वर्ड चीजों को सीखा है ठीक है रट्टा नहीं मरवा रहा लेकिन मैं आपको चीट कोर्स कह रहा हूं ठीक है टॉक्सिकोलॉजी जो है किसकी स्टडी जल्दी से बताएगा टॉक्सिकोलॉजी किसकी स्टडी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही सरल हो गया ना सवाल वर्ड से वर्ड देखोगे तो बहुत सरल सवाल है जल्दी से बताएगा और मैं हमेशा कहता हूं साइंस में जहां पे वर्ड दिखाई देगा वहां पे आंसर आना चाहिए टॉक्सिक समथिंग इज जहर ठीक है टॉक्सिक का मतलब विष विष होता है ना तो बस से पॉइजन आंसर लगाओ जी ये बहुत ही मोर्ड क्वेश्चन है इसमें से किसमें वॉल्वलेस हर्ट होता है जैसे हमारे में वॉल्व होते हैं ठीक है थीके? लेकिन किसमें वॉल्वलेस हर्ट होता है आंसर क्या फिश में वॉल्वलेस हर्ट होता है ठीक है तो वॉल्वलेस हर्ट होता है लेकिन बाकी मैमल्स रेप्टाइल एम्फीबियंस फेबियस इन सभी में वोल्स होते हैं ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन हमें अपना भी पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट सिस्टम में क्या है कि चार चैंबर है सेनोड किस में है ठीक है जो चैम्बर में से ब्लड किस में से आएगा ठीक किसमें से जाएगा ऑक्सीजनेटेड क्या होगा ये सब चीजें पढ़नी है ठीक है चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे दिमाग को रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पिक आउट द डिसीज अमंग द फॉलोइंग कौन सी डिसीज है बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया ठीक है आंसर क्या है हेपेटाइटिस आपको मैंने कल भी हेपेटाइटिस का क्वेश्चन बताया था मैंने जो पूरा इन्फ्लेशन वाला कंसेप्ट बताया था वो हेपेटाइटिस का क्वेश्चन कल भी आया था तो बच्चे आपको याद होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन अगर आपको डेली बेसिस पे कराए जा रहे हैं तो आप रिवाइज तो करो इनको ठीक है शेयर करो सेशन को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं सारे क्वेश्चन अटैम्प करेंगे ए टू जेड क्वेश्चन क्यूज को नहीं छोड़ेंगे आज का क्यूज करेंगे ठीक है आज का क्यूज करेंगे, करेंगे इस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन थर्टी का आंसर क्या है ठीक है पेलेग्रा एंड स्कर्वी स्कर्वी देखते ही आंसर आ गया होगा आपका ठीक है देखो अगर मैं इधर स्कर्वी देख लू ना उसके बाद मुझे सीएस देख के ना आंसर तो साफ दिखाई दे रहा है कि बस मैं विटामिन सी ही आंसर लगा दूं लिटरली मैं स्कर्वी देख के आंसर ये लगा देता फिर तो मैं कुछ देखता भी नहीं कि भाई मेरा सही है दूसरा कि नहीं ठीक है दिमाग में रखेगा याद रखिएगा आपको पेलेग्रा का विटामिन बी थ्री याद हो ना हो स्कर्वी का सी याद है तो आप इधर से आंसर लगा सकते हो ठीक है ये जो दो डिसीज हैं ये कौन कौन से विटामिन की कमी की वजह से होते हैं पेलेग्रा होता है विटामिन बी थ्री की वजह से ठीक है और स्कर् होता है विटामिन सी की कमी के से और मैं कैबिनेट सेक्रेटरी याद रखता हूं हमेशा वर्ड क्या कैबिनेट सेक्रेटरी वर्ड याद रखता हूं जिससे मेरा सी से एस याद रहता है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए शेयर करेगा सेशन को सारे के सारे ठीक है हेमोफेलिया का सिम्टम क्या है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग तो इज द सिम्टम ऑफ हेमोफेलिया ठीक है देखो अब इसमें हेमो वर्ड दे रखा है दोबारा मैं दोबारा इसके वर्ड से आंसर निकाल सकता हूं इसके दोबारा वर्ड से आंसर निकाल सकता हूं मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं तब भी वर्ड से आंसर निकालूंगा आंसर क्या होगा वर्ड हेमोवर्ड देखा आपके सामने <coughs> जल्दी से बताएगा हेमोवर्ड देखा तो क्या लगाओगे आंसर दोबारा ठीक है, है दिमाग रखेगा हेमोफेलिया किससे रिलेटेड है ब्लड से रिलेटेड है ठीक है दिमाग रखेगा ब्लड से रिलेटेड है ठीक है जिसमें ब्लड में क्लोटिंग होना बंद हो जाता हैं है उसे हम कहते हैं हेमोफेलिया ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन आंसर कोई कहेगा सर हेमोग्लोबिन भी तो इधर दे रखा है भाई लूज ऑफ हेमोग्लोबिन कभी भी नहीं होता वो आरबीसी का हो सकता है ठीक है ऑप्शन में ठीक है आरबीसी का हो सकता है एक देखें। हां जी, किसके द्वारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी गई बहुत ही सरल सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है ठीक है आसान क्वेश्चन है वैसे चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी दिया उनके द्वारा कुछ ऐसे कंसेप्ट भी बताए गए कि एवोल्यूशन होता किसकी वजह से है तीन कंसेप्ट भी बताए गए थे वो तीन कंसेप्ट भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है बहुत ज्यादा अगर आप हाइट पर जाए पहाड़ों पर गए हो ठीक है और आपका जो आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी इंक्रीज होगा मतलब आपके शरीर में जो आरबीसी की मात्रा है ठीक है लाल रक्त कणिकाओं की जो मात्रा है वो बढ़ती है घटती है सेम रहती है या क्या होता है जल्दी से अच्छा क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन मैं को आज का क्विज करना साढ़े नौ बजे के क्यूज इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके प्रैक्टिस सेट हैं जो आपने रेलवे में एग्जाम में मिल सकते हैं आंसर क्या बच्चे इंक्रीज होता आरबीसी जो है इंक्रीज होता है ठीक है दिमाग रखिएगा हमेशा इंक्रीज होता है एक और क्वेश्चन देखिए ठीक है ल्यूम सैपा किसका साइंटिफिक नेम है कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर क्या है सैपा किसका साइंटिफिक नेम है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है Allium, Sapa, किसका scientific name है है ठीक सैपा किसका साइंटिफिक नेम जल्दी से कमेंट करिएगा बहुत ही सरल सवाल है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा ठीक है आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का प्याज को कहते हैं अनियन को कहते हैं ठीक है चलिए ये नहीं करे कर रखा है ये ठीक है नहीं करेंगे ब्रास जो है पीतल जो है किसका मिश्रित धातु है आप सभी जानते हैं ब्रास इज अ धातु अगर आपको कुछ ना याद हो तो आपको बिकोस याद है ठीक है याद है ट्रिक को याद रखो कि आपको बिकोस याद रखना क्या याद रखना है बी कोस याद रखना है बी से ब्रास को से कॉपर और जेड से जिंक ठीक है हमारा बिकोस कभी भी ऐसे नहीं होता व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप लिखते हो तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखते यू लाइक दिस ठीक है आपका यहां तो बिकोज ऐसे ही होता जाता है ठीक है तो इससे आप याद कर सकते हो ठीक है इससे आप याद कर सकते हो तो ट्रिक है जो मैं आपको बता चुका हूं ब्रास की ठीक है कॉपर और सिंह इसका आंसर है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस साउंड की क्या वेलोसिटी होगी गैस पे वो किस चीज पे आधारित है बताइए इनमें से किस पे आधारित तो है कमेंट करेगा देखो तरीके हैं चीजों को याद करना चाहते हो तो तरीके हैं आप मेरा जो ब्लैक मैजिक शो होता है ढाई बजे डेली हो रहा है आपको उस ब्लैक मैजिक शो में कितनी सारी ट्रिक्स मिल रही हैं लगातार डेली बेसिस पे ऐसा नहीं ये हफ्ते में एक दिन देता हूं डेली बेसिस पे दे रहा हूं ब्लैक मैजिक शो देखा करो आंसर क्या बच्चे डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है गैस की ठीक है दिमाग रखिएगा डेंसिटी और इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है ओजोन लेर किसमें प्रेजेंट है आसान है स्टेटोस्फेयर में ठीक है स्टेटोस्फेयर में अब आपसे बोले कि सर बाकी का क्या करें यार याद रखो ट्रोपोस्फेयर से क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट क्लाइमेट और वेदर कंडीशन किसमें क्लाइमेट और वेदर कंडीशन किसमें? ठीक है आयनोसफेयर से क्वेश्चन आता है रेडियो वेव्स का रेडियो वेव्स का सिग्नल का ठीक है स्टेटोस्फेयर से क्वेश्चन आता है ओजोन का ठीक है ठीक है एक्जोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट ठीक है तो ये सब आपको क्वेश्चन मिलते हैं हर एक लेयर में से हर एक लेयर में से ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं ठीक है रखिएगा ब्लैक मैजिक शो दोपहर को ढाई बजे होता है डेली ठीक है आप दोपहर को ढाई बजे ठीक है जुड़ सकते हैं एक और क्वेश्चन देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज लिटल आउट ऑफ द फोकस इन विच कंडीशन जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा ठीक है अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है विजिबल होते हैं दूर की वस्तुएं स्थित में ध्यान केंद्रित करने बहुत कम दिखाई देता है वो किस जगह से अगर आपको दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही तो आपको क्या है बच्चे दिमाग को रखे मायोपिया है क्योंकि मायोपिया क्या होता है नियर साइटेडनेस होता है मायोपिया का मतलब क्या है नियर साइटेडनेस ठीक है निकट दृष्टि दोष ठीक है जिससे हम कहते हैं कि हमें पास की चीजें दिखाई देती है तो पास की चीजें दिखाई देगी तो दूर की तो ऑब्वियसली दिखाई देगी तो मायोपिया इसका आंसर है ठीक है मायोपिया इसका आंसर है बेसिक क्वेश्चन है भाई एक और क्वेश्चन करा रहा हूं सेशन शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है जल्दी से सेशन को शेयर करो हर एक बच्चा ठीक है हर एक बच्चा सेशन को शेयर कर दो यार ठीक है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को ठीक है स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कमेंट करिएगा इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बहुत ही इंपोर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के हिस्से हैं भाई ये क्वेश्चन बैंक में आ रहे तो आएंगे गारंटेड सोनोमीटर इसका आंसर है ठीक है आप कोई बोले कि सर कैसे याद करें भाई वाइब्रेशन में साउंड होती है और सोनो वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू साउंड ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए नहीं कर रहे क्वेश्चन ठीक है बताइए हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड सरल सवाल है जल्दी से बताएगा क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है आंसर क्या हो सकता है देखो यार क्या तरीका है इसको याद करने का मैं अगर क्लोटिंग वर्ड लिख रहा हूं ना मैं इसको प्रोनाउंस ऐसे भी तो कर सकता हूं क्लोटिंग क्या क्लोटिंग अब ये के है तो ये के है विटामिन के इसका आंसर है ठीक है ये के है तो ये क्या है विटामिन के इसका आंसर है ठीक है दिमाग रखेगा विटामिन कौन सा है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है तो याद रखिएगा विटामिन के हेल्प करता है तरीका है याद करने का ठीक है तरीका याद करने का एक और क्वेश्चन देखिए ठीक है निमोनिया इफेक्ट बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन ऑफ बॉडी ठीक है निमोनिया से हमारे शरीर के कौन से पार्ट पर इंपैक्ट पड़ता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा निमोनिया से हमारे शरीर के कौन से बॉडी पार्ट पर इंपैक्ट पड़ता है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दिमाग में रखिएगा देखो निमोनिया आप सभी जानते हैं बेसिक क्वेश्चन है लंग्स पे फेफड़ों पे अफेक्ट पड़ता है उस पर ठीक है फेफड़ों पे, पे अफेक्ट पड़ता है जब आप निमोनिया की बात करते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर के आपसे बोले देखो क्वेश्चन देखना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कोहेसिव फोर्स किस में लगती है ठीक है मैं बोलूं कि मैं आपको पत्थर के साथ ठीक है प्लास्टिक को जोड़ू तो यार कोहेसिव फोर्स नहीं लगेगी लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया मैं प्लास्टिक के साथ ही प्लास्टिक को जोड़ू तो कोहेसिव फोर्स लगने के चांसेस जुड़ने के चांसेस ज्यादा है ठीक है तो सेम इसी कंसेप्ट को अगर हम याद रखें तो मोलिक्यूल ऑफ सेफ सब्सटांस जो है उसमें कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस होती है ठीक है दिमाग उसमें कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस होती है तो बेसिक चीजों को अगर आप साइंस में पढ़ते हो ना तो आपको ज्यादा चीजें समझ आती हैं ठीक है आपसे बोले जाए देखो एक और बड़ा आसान है आसानी डॉक्टर जो है अपने हेड मिरर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं उनको क्या करना होता है उनको करना होता है ऑपरेशन ठीक है ई एन टी वालों को ऑपरेशन करना होता है ऑपरेशन वही छोटी छोटी चीजें देख के थोड़ी होगा बड़ा साइज देखना होता है तो यार उसके लिए तो कनकेव कनकेव मिरर होता है मिरर साइज को बड़ा करता है बस उसी हिसाब से हमने आंसर लगा दिया ठीक है पिच जो है साउंड की वो किस चीज पर डिपेंड करती है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा मैं आपके लिए क्यूज़ भी क्रिएट कर रहा हूं बच्चे क्यूज जरूर दीजिएगा सारे के सारे ठीक है सारे के सारे क्यूज दीजिएगा ठीक है अब आपसे कह रहा है कि पिच किस पर डिपेंड मैं आपको बताऊं पिच का मतलब क्या है आप सभी समझते हैं पिच का मतलब क्या है दोस्तों ठीक है पिच क्या है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ठीक है आपको पता महिलाओं की जो पिच होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच किस पर डिपेंड करता? करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है बेसिक क्वेश्चन है ठीक है कैनिस वेल्पस जो है किसका साइंटिफिक नेम है कैनिस देखो कैनिस क्या है इससे वर्ड याद आता है अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में थोड़ा सा चलता है ना दिमाग ठीक है तो आपको यह चीज याद आएगी कैनिक से होता है कैनिन कहते लोमड़ी चलाक होती है ठीक है कनिंग माइंड कनिंग जिसे हम वर्ड यूज करते हैं ना एक वर्ड यूज होता है कनिंग मुझे इतनी ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि कनिंग वर्ड जो होता है समथिंग दैट इज वेरी चलाक और चलाक से कनिंग कैनिंग आप रिलेट करके लोमड़ी इसको याद रख सकते हो क्योंकि लोमड़ी चलाक होती है कहा जाता है ऐसा ठीक है चलिए तो वो रिलेट करो याद रहेगा ठीक है एक्शन ऑफ निप ब्लिट एट द टॉप एक्सप्लेन बाय कैपिलरी एक्शन है Obviously, यार इंक जो है वो निप से नीचे की तरफ जाते हैं कैप्लरी एक्शन से कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे जाए ठीक है एक और क्या बड़ा ही आसान क्वेश्चन है 32 में बताओ आपको कराऊंगा मैंने हर एक टॉपिक को डिवाइड कर दिया कि आपको टारगेटेड पढ़ने को मिले अभी हम इस क्लास के बाद जो करेंगे ना साढ़े नौ बजे अभी हम एक लाइव टेस्ट करेंगे वो लाइव टेस्ट अभी मैं जो पूरे क्या बोलते हैं आज बाईस तारीख है ना पूरे आठ दिन जो कराऊंगा ना वो मैं एग्जैक्टली exactly पेपर ही कराऊंगा रेलवे का एग्जैक्टली exactly रेलवे का पेपर ही कराऊंगा तो आप आठ आठ दिन जो है एग्जैक्टली exactly साढ़े नौ बजे का लाइव टेस्ट देख लो आपको बहुत बेनिफिट होगा ठीक है साढ़े नौ बजे का लाइव टेस्ट देखिएगा साढ़े दस बजे वाली क्लास तो आपको पता ही है सभी को इस क्वेश्चन का आंसर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसका क्या फंड है ये लैटिट्यूड के साथ वेरी करती है ये लैटिट्यूड के साथ वेरी करती है कि अर्थ पे किस लैटिट्यूड पे हम हैं ठीक है ठेके? हाई होती है यहां पे ठीक है लो होती है यहां पे एक और देखते हैं इस क्वेश्चन है? का आंसर के चीज किसका उदाहरण जल्दी से बताएगा चीज किसका उदाहरण है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है चीज इज अ जेल ठीक है चीज का एक जेल है एक और क्वेश्चन देखिए ये लाइव टेस्ट कह रहा हूं अभी आने वाले आठ दिन तक ये जो साढ़े नौ बजे लाइव टेस्ट होता है ना बच्चे ये खुद रेलवे के पेपर का ही होगा लास्ट ईयर के जो पेपर है एग्जैक्टली वही ठीक है तो आप इसके जीके के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा आठ दिन में कि आपको कैसा एग्जाम में पेपर मिलेगा इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी आंसर क्या है छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को आसानी है पार्ट ऑफ द ब्लड डिवॉइड ऑफ कारप्लस जल्दी सबसे कौन सा ब्लड का फ्यूड पार्ट है कौन सा ब्लड का फ्लूड पार्ट है जिसमें बच्चे करप्लस नहीं होता ठीक कणिकाएं नहीं होती अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कौन सा ऐसा ब्लड का फ्लूड पार्ट है जिसमें करपलस नहीं होता कमेंट करिएगा और जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है 11 बजे का मैराथन अगर आप मिस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा नुकसान कर रहे हो अपना क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बेस्ट क्वेश्चन मेरे 11 बजे होते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो मैंने एक प्रोफाइल दे रखा वही से मैं आपको किस भी कराने वाला हूं वहीं से आपको मैराथन में भी जुड़ना है तो सभी वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखा फॉलो अमन सर ओनर उसमें फॉलो करके ये कोड लगाएगा लाइव अमन ठीक है लाइव अमन कोड लगाएगा आपको ग्यारह बजे की मैराथन देखनी चाहिए आंसर इसका सरमिस इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए जी साइकिल के जो व्हील होते हैं उसका मोशन किस तरीके का होता है कमेंट करिएगा व्हाट इज द मोशन ऑफ साइकिल व्हील ठीक है साइकिल के जो व्हील होते हैं बच्चे नमस्कार दिनेश यादव बहुत जल्दी आयो भाई बहुत ही लेट आयो सीधा मैं ये बोलना चाहता हूं आपको ठीक है साइकिल के व्हील जो है उसका मोशन किस तरीके का होता है आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रांसलेटर और रोटेटरी ठीक है ट्रांसलेटर और रोटेटरी मोशन होता है ठीक है ट्रांसलेटर और रोटेटरी मोशन होता है ठीक है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है सारे कपड़े एकदम हम उसको रोटेट करते हैं जिससे वो सेंटर की तरफ आ जाता है ठीक है और बाकी पानी साइड में सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगती है बहुत बेसिक क्वेश्चन है जैसा आपका चीज़ मिल्क में से बटर निकालने वाला कंसेप्ट है ना वैसा ही क्या है पानी को सुखाने वाला जो है कपड़े सुखाने वाला फंडा है ठीक है सेम सेंट्री फ्यूगल फोर्स ठीक है हाँ जी कैंसर के ट्रीटमेंट में से इसमें क्या यूज होता है जल्दी से होते व्हाट वी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कमेंट करेगा ठीक है मैं टारगेटेड पढ़ा रहा हूं अगर मैं आपको इधर पचास क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं पचास क्वेश्चन क्यूज में डालूंगा और वो पचास क्वेश्चन क्यूज के आपको टारगेटेड टॉपिक पे मिलेंगे ठीक है आप क्यूज जरूर दो आज का हर एक बच्चा क्यूज में पूछो आपको बेनिफिट बहुत है आंसर क्या है कीम्योथेरेपी होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यही माना जाता है कीम्योथेरेपी कर सकते हैं बाकी तो कोई इलाज आया नहीं है कैंसर का एज सच ठीक है तो ये हम कह सकते हैं कि कीमियोथेरेपी होती है ये कर रखा हमने नहीं करेंगे हाँ जी वही मैं अभी एक क्वेश्चन कह रहा था ना पिच का कि पिच किस पे डिपेंड होती है ठीक है पिच किस पे डिपेंड होती है आपने कहा फ्रीक्वेंसी पे ठीक है अब मुझे बताओ वुमेन्स की आवाज श्रिल होती है उसका कारण क्या है और वो भी पिच से ही संबंधित है आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर चालीस का आंसर बताएगा कि जस्ट एंड तो में कोड दूंगा आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल दे रखा फॉलो अमन सोवन अकेडमी वहां पे आपको फॉलो करके लाइव अमन रेफर कोड लगाना फिर आपको क्यूज करना है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉलो करने के बाद ना रात को 11 बजे की एक क्लास है

कि आपको वो कंपोनेंट रेयर बेसिस पे मिलता है अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मल कंपोनेंट है ठीक कोई कहे यूरिया एबनॉर्मल है तो भाई नहीं यूरिक एसिड भी नहीं है कैरेटीन भी नहीं है आंसर है किटोन बॉडीज किटोन बॉडीज रेयरली क्या है ठीक है यूरिन टेस्ट में मिलती है ठीक है तो बच्चे कीटोन बॉडीज इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए शेयर करिएगा सेशन को सारे के सारे ए टू जेड बच्चा सेशन को शेयर करिए क्यों में आपका अभी कराने वाला थोड़ी देर में जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर के ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बोन ओसिफिकेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू सर्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है टेंटिव एज को सर्टेन करने के लिए ठीक है टू हे सर्टेन ह्यूमन टेंटिव एज एक और क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि गैस फ्लो कर रही है हर एक जगह पे ठीक है अब कोई कहे कि सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है किस पे डिपेंड करेगा कि उसका मोलिकुलर मास कितना है ठीक है अब कोई भारी चीज होगी कम डिफ्यूजन करेगी हल्की चीज होगी ज्यादा करेगी ठीक है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर मास क्योंकि हल्की हो जाएगी ना उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो वो हल्का हो जाएगा ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं सकता कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ हल्की चीज ज्यादा डिफ्यूजन करेगी भारी चीज कम करेगी ठीक है चलिए क्लास हमेशा आठ बजे स्टार्ट होती है ठीक है इसका क्यूज अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्यूज इंपोर्टेंट है पता बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जल्दी से बताइएगा कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करती है आंसर है थर्मल पावर इंडस्ट्री ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू विद रेफरेंस टू ब्लड प्लेट्स इंपोर्टेंट डैम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कराते हैं देखिए करिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से बच्चे साढ़े नौ बजे वाले लाइव टेस्ट मत छोड़ना क्योंकि मैं उसमें आठ दिन आपको एग्जैक्टली exactly रेलवे के पेपर ही कराने वाला हूं इस क्यूज को जब कराऊंगा ना क्यूज करने के बाद सीधा साढ़े नौ बजे जुड़ेगा इसी चैनल पे साढ़े नौ बजे आपका लाइव टेस्ट होगा आंसर क्या बच्चे इसका ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू ब्लड प्लेटलेट्स दे आर थ्रम्बोसाइट प्लेटलेट्स को हम थ्रम्बोसाइट कहते हैं बिल्कुल सही बात है ठीक है दिमाग रखेगा बिल्कुल सही बात है प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं थ्रम्बोसाइड कहते हैं सस्ता सवाल है ठीक है सस्ता सवाल है एक और क्वेश्चन देखिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ठीक है मायरोमेकोलॉजी किसकी स्टडी होती है जल्दी सब आंसर क्या मायर मैकोलॉजी जो है किसकी स्टडी होती है कमेंट करिए ठीक है मायरमेकोलॉजी किसकी स्टडी होती है चीटी होगी एक और क्वेश्चन देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है ठीक है क्वेश्चन हम पूरे टारगेट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक जो है ना जो साढ़े दस बजे क्वेश्चन बैंक की सीरीज होती है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे उसी को ही टारगेट कर रहा हूं अभी किस में भी टारगेट करूंगा हर जगह की आप एक ही मतलब हर एक क्लास में पांच हजार क्वेश्चन कवर कर जाओगे ना तो आपको उसमें से क्वेश्चन ना भैया नाम बदल बदलिएगा क्योंकि पांच हजार क्वेश्चन कर लो तो यार क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन आप अगर 500 क्वेश्चन पेपर में करके जाओगे तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन 5000 करके जाओगे तो पूरे चांसेस है ना ठीक क्वेश्चन क्या ही देगा 5000 से ज्यादा कस्टर्ड एप्पल का इसका साइंटिफिक नेम है जल्दी से बताइए एग्जांपल ऑफ बोल एंड स्टोक ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी बड़ा ही आसान है हिप जॉइट कहते हैं ठीक है बड़ा ही आसान है बोल एंड स्टोक ज्वाइंट को हिप ज्वाइट कहते हैं बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है किसी को मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है और उसका करेक्टनेस पूछा गया है, तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है उनका इलाज नहीं होता ठीक है जेनेटिक डिसीज का रेयर इलाज है और कलर ब्लाइंडनेस उसमें से एक है तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का किसी भी तरीके का इलाज नहीं है एक और क्वेश्चन देखते हैं हर एक बच्चा किस देगा किस देने का तरीका क्या बता चुका हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है फॉलो अमन सर ऑन अकेडमी वहां पर जाके आप पहले लिंक फॉलो करेंगे ठीक है उसी के नीचे लिंक दे रखा है अमनदीप शर्मा का मेरा ही प्रोफाइल है प्रोफाइल फॉलो कर लेना किसी भी क्लास में जाके लाइव लाइव अमन एंटर कर लेना ठीक है मान लीजिए आप साढ़े ग्यारह बजे वाली मैराथन देखना चाहते हो उस पर एंटर करो लाइव अमन लगाओ उसके बाद कि उसका कोड एंटर कर दीजिएगा फॉलोम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा इसमें से कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट है जल्दी से बताएगा आसान क्वेश्चन कमेंट करिएगा ठीक है आसान क्वेश्चन है कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट कौन सा इसमें से ठीक है आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का ठीक है कोल्ड ब्लडेड सस्ता सवाल है एक और क्वेश्चन देखिएगा हाइड्रोजन जो है रिसेंबल करता है डैश एज वेल डैश बिकॉज इट कंटेन एच प्लस आईन एन ओ एच माइनस आइन बड़ा ही सस्ता सवाल कि भैया वो एल्केली मेटल और हेलोजन दोनों की तरह काम कर सकता है ठीक है छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को ये भी कर रखा हमने ठीक है सर्वाइव विदाउट लिक्विड ठीक है बहुत कम पानी होगा तब भी सर्वाइव कर जाए जो ऐसे जेरो होते हैं ना वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं ठीक है दिमाग रखे रेगिस्तान में पाए जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ठीक है बड़ा ही आसान सिलिका इसका आंसर है एक और क्वेश्चन की बार इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जल्दी से बताओ इजी क्वेश्चन बार किसकी यूनिट है ठीक है सर आप आजकल दस बजे नहीं पढ़ाते दोस्त साढ़े दस बजे क्लास होती है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर जो मैं फिक्स क्लास लेके आता हूँ ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का आलोक कुमार सर कह सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो आजकल भाई मैं धीरे नहीं पढ़ा रहा मेरा गला थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं चीजों को कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम है मैं क्लासेस एक जगह जोश में पढ़ा दू उसके बाद मेरे से क्लास ना ली जाए तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा ठीक है प्रैक्टिस का वो मैं नहीं चाहता क्लासेस में सारी ले रहा हूँ इसलिए मैं बल्क में क्लासेस ले रहा हूँ कि मैं आपको सारा कुछ पढ़ा बताइए कौन सी फोर्स वर्चुअल मतलब फोर्स, फोर्स है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेंगे हमारे साठ क्वेश्चन यहां पे होंगे उसके बाद आपको इसके लिंक में जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको किस देना है का क्रिएशन हो चुका है अभी मैं आपको कोड देने वाला हूं जल्दी से बताएगा

दालचीनी चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से क्या करें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन साढ़े नौ बजे वाला लाइव टेस्ट लेना है ना उससे पहले क्यूँ कर लो ठीक है मैं इसलिए जल्दी से एंड करता हूं चीजों की क्यों भी आप कर सको प्रैक्टिस जरूरी है ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा फॉलो अमन सर ऑन अकेडमी वहां पर जाओ जल्दी से फॉलो करो प्रोफाइल को ठीक है और मेरी ग्यारह बजे वाली क्लास नोटिफाई करेगा पहले ठीक है तरीका है कैसे करना है फ्री क्लासेस में जाओ उसमें देखो ग्यारह बजे वाली क्लास होगी नोटिफाई करना नोटिफाई करने के समय आपको एंटर कोड मांगेगा लाइव अमन ठीक है एंटर कोड मांगेगा लाइव अमन लाइव अमन एंटर कोड लगाइएगा उसके बाद आप क्या करिएगा लाइव अमन कोड जरूर लगा दीजिएगा जिससे आप एंटर कर सको उसके बाद करिएगा बच्चे क्यूज को कोड एंटर क्यूज में ना कोड मांगते हैं ठीक है थे? कि भैया क्यूज का कोड क्या है आपका आप code, किस कोड किसके थ्रू कोड देना चाहते हो किस देना चाहते हो तो वो किसका कोड है वन थ्री वन नाइन टू सेवन सारे देंगे वन थ्री वन नाइन टू सेवन ये किसका कोड है जिससे आपको बेनिफिट मिलते हैं सभी को वीडियो के लिखा अकेडमी मेरी क्लासेस में जाके 11 बजे वाली मैराथन नोटिफाई करनी है लाइव अमन रेफर कोड यूज करके उसके बाद ज्वाइन किस पे क्लिक करना है आपको ये कोड लगाना है कोई कहेगा कि सर ज्वाइन किस का ऑप्शन कैसे आता है बड़ा ही आसान है मेन टैब पे जाओ ये अन एकेडमी के जब आप फोन खोलोगे ना अन अकेडमी मेन टैब आएगा उसमें प्लस का ऑप्शन आएगा प्लस पे क्लिक करना टेस्ट पे क्लिक करना ज्वाइन किस पे क्लिक करना आपको ये, कोड़ मांगेगा, कोड़ लगा देना ये वाला ठीक है सभी के सभी वन थ्री वन नाइन टू सेवन हर एक बच्चा जुड़ेगा सारे क्वेश्चन अटैम्प करो ठीक है ये कोड लगाओ जहां पे अगर आपसे एंट्री कोड मांगता है ये क्यूज में ज्वाइन क्यूज के बाद मांगेगा तो ये कोड लगाना है ठीक है दोनों कोड लिख लो जल्दी से जुड़ो सारे के सारे फ्री क्लासेस हैं सारी की सारी रात को 11 बजे मैराथन होने वाला ठीक है आप सभी मेरे बैचेस बैचेस में जुड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया रेलवे जितना होना था तो हो जाएगा इस महीने में ऑलमोस्ट ठीक है उसके बाद आएगा आपको अभी कोर स्ट्रक्चर पता नहीं है सीईटी का उसका कोर स्ट्रक्चर हमें पता है ऑलमोस्ट ठीक है तो हम उस तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं जिसमें आपको वेस्ट ना करना पड़ा टाइम सात महीने तैयारी कर रहे हो आपको ये नहीं पता कैसे क्वेश्चन आने तो उससे दिक्कत होगी ना तो आप टारगेटेड के टी पढ़िएगा लाइव अमन रेफर कोड यूज करके गोल में एस एस सी रेलवे डिफेंस तीनों में से कुछ भी डल सकता है गेट सब्सक्रिप्शन सब्सिप्शन क्लिक करिए मंथ सिलेक्ट करके एक रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन फॉर दिस क्लासेस ठीक है चलिए तो अभी आप सारे के सारे क्यूज एंटर करो दोस्तों क्यूज में एंटर करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल दे रखा वही से ठीक है वही से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़िए फोल अमन सर अकेडमी से में एंटर करो लाइव अमन रेफर कोड साथ के साथ फिर दो पूरा कोड मैंने आपको बता दिया फिर मिलते हैं रात को साढ़े नौ बजे आपको दोबारा इसी में लाइव टेस्ट के साथ लास्ट आठ लाइव टेस्ट हैं जो कि आपको करने प्रॉपर तरीके से उसके बाद हम नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे सीईटी की ठीक है रेलवे का एग्जाम भी आपको हो जाएगा क्वेश्चन